Hello everyone, I am Ashwarya and welcome to my channel Aduvesh. आज के इस वीडियो में हम स्पिल वे के बारे में देखने जा रहे हैं हम देखेंगे यहाँ पे स्पिल वे क्या होता है स्पिल वे के क्या रिक्वायरमेंट्स होते हैं एंड आफ्टर दैट हम उसके सारे जो टाइप्स होते हैं इसके बारे में भी हम यहाँ पे डिटेल से देखने वाले हैं इस वीडियो को देखने के बाद स्पिल वे से रिलेटेड आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं सबसे पहले समझते हैं स्पिल वे क्या होता है स्पिल वे क्या होता है यहाँ पे कि जो भी हमारा जब हम डैम कंस्ट्रक्ट करते हैं तो उस हमारा डैम जो कंस्ट्रक्ट करते हैं उसमें हमारे दो लेवल पाए जाते हैं एक जो होता है हाई फ्लड लेवल एंड दूसरा जो होता है हमारा फुल रिजर्वायर लेवल यहाँ पे आप डायग्राम से भी समझिए क्या होता है ये दो लेवल जो होता है हमारा जैसे कि हमने क्या किया एक डैम कंस्ट्रक्ट किया ठीक है तो फिर हमारा हाई फ्लड लेवल क्या होगा एंड फुल रिज़र्वायर लेवल क्या होगा हमने एक लेवल डिसाइड कर दिया मान लीजिए ये लेवल ये डिसाइड कर दिया तो ये ये हमारा क्या है डैम है जिसमें कि हमने क्या भर के रखा है पानी भर के रखा है तो हमने यहाँ पे एक लेवल डिसाइड कर दिया कि हाँ इतना लेवल तक अगर वाटर फिलअप हो गया तो ये हमारा क्या कहलाएगा यहाँ पे फुल रिज़र्वायर लेवल कहलाएगा हम इसको क्या बोलेंगे कि हमारा जो रिज़र्वायर है वो क्या हो चुका है यहाँ पे फुल हो चुका है ठीक है तो ये जो होता है यहाँ पे फुल रिजर्वायर लेवल होता है और इससे ऊपर जो होता है हमारा एक और टर्म हम बोलते हैं उसको हम क्या बोलते हैं हाई फ्लड लेवल ठीक है अगर यहाँ तक पानी आ गया तो फिर क्या हो जाएगा यहाँ पे कि जब फ्लड आ जाएगा ठीक है जब बाढ़ आ जाएगा या फिर जब हमारा जो वाटर जो है डैम में वो बहुत ज़्यादा पूरा अपनी कैपेसिटी से ज़्यादा हो चुका रहेगा तो हम उसको क्या बोलेंगे यहाँ पे कि हमारा जो रिजर्वायर है वो किसके किस लेवल में आ चुका है हाई फ्लड लेवल के लेवल लेवल में आ चुका है ठीक है तो हमको क्या करना रहता है कि हम कभी भी रिजर्वायर को हाई फ्लड लेवल तक फिलअप नहीं करते हैं क्योंकि अगर हम इसको यहां तक फिलअप कर देंगे तो क्या हो जाएगा कि हमारा जो डैम जो हमने कंस्ट्रक्ट किया जो हमने बांध बनाया है वो टूट जाएगा क्योंकि ये क्या हो चुका है इसमें पूरी तरह वाटर फुल अप हो चुका है तो ये टूट जाएगा तो फिर इससे हमारा क्या होगा नुकसान होगा तो हम कभी भी अपने रिजर्वायर को हाई फ्लड लेवल तक कभी भी फिलअप नहीं करते हैं हम हमेशा फुल रिजर्वायर लेवल तक ही करते हैं लेकिन कभी कभी क्या होता है कि क्लाइमेटिक कंडीशन के अकॉर्डिंग जब अमाउंट ऑफ वाटर बहुत ज्यादा बढ़ जाता है डैम में तो हमको क्या करना पड़ता है कि अमाउंट ऑफ वाटर बढ़ जाएगा तो ऑब्वियसली कि उसका लेवल जो रहेगा फुल रिजर्वायर लेवल से क्या जाएगा ऊपर जाएगा ठीक है तो अब हमको क्या करना है कि ये जो वाटर इसमें जो फिलअप हो रहा है इसको हमको क्या करना पड़ेगा फिर रिलीज करना पड़ेगा ठीक है तो रिलीज करने के लिए हम यहाँ पे क्या किए कि एक चीज कंस्ट्रक्ट किए और उस चीज का क्या नाम है यहाँ पे स्पिल ठीक है जिसके बारे में हम पढ़ने जा रहे हैं तो हमारा जो स्पिल वे होगा हम कहाँ पे लगा देते हैं ये जो आप देख रहे हैं ना जो ये जो मैं मा, मार्क कर रही हूँ ये फुल रिजर्वायर लेवल एंड हाई फ्लड लेवल के बीच में हमारा क्या होता है यहाँ पे स्पिल वे होता है ठीक है यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे हम क्या बना देंगे यहाँ पे स्पिल वे लगा देंगे ठीक है स्पिल वे हमारा कहाँ पे रहेगा फुल रिजर्व लेवल से ऊपर रहता है हाई फ्लड लेवल से नीचे रहेगा जब हमारा लेवल फुल रिजर्वायर लेवल तक फुल अप हो जाएगा उसके बाद भी जब वो ऊपर जाएगा उसका लेवल तो क्या होगा यहाँ पे स्पिल वे उसको मिल जाएगा और स्पिल वे से क्या करेंगे हम जो भी यहाँ पे जो वाटर था उसको हम यहाँ पे बाहर निकाल देंगे ठीक है तो ये जो स्पिल वे है इसी के बारे में हम पढ़ने जा रहे हैं डिफरेंट डिफरेंट कंडीशन के अकॉर्डिंग बोगोग्राफी के अकॉर्डिंग हम डिफरेंट डिफरेंट टाइप का स्पिल वे यूज़ करते हैं रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग टाइप ऑफ डैम के अकॉर्डिंग ठीक है डिफरेंट डिफरेंट टाइप का स्पिल वे यूज़ करते हैं लेकिन जो मेन जो फंक्शन होता है स्पिल वे का यही होता है कि जो भी हमारा

इसके जो वाटर है इसको रिलीज़ करने के लिए देखिए अभी किस तरह से रिलीज होगा इस तरह से गेट बनाए जाते हैं इस पिलवे के ठीक है यहाँ पे आप गेट देख सकते हैं इस गेट को क्या कर दिया ओपन कर दिया और ये जो वाटर है इसको यहाँ पे रिलीज किया जा रहा है ताकि जो हमारा वाटर का जो लेवल है वो हाई फ्लैट लेवल तक ना पहुंचे ये जो डैम है इस ये क्या है हमारा अपस्ट्रीम है या फिर रिजर्वायर है इससे हम कहाँ कर रहे हैं वाटर को रिलीज़ कर रहे हैं कहाँ पे डाउनस्ट्रीम में ठीक है या फिर किसी रिवर में हम इसको रिलीज कर दे रहे हैं ताकि जो हमारे डैम का जो वाटर लेवल है वो कम हो सके देखिए आप देख सकते हैं यहाँ पे हम इसको एक रिवर में रिलीज कर रहे हैं तो इस तरह से हमारा स्पिलवे जो होता है वर्क करता है तो यहाँ पर आपको समझ में आ गया होगा कि स्पिल वे क्या होता है ठीक है अब इसका डेफिनेशन देख लेते हैं आपको लिखना कैसे एग्जाम में स्पिल वे आर द स्ट्रक्चर कंस्ट्रक्टेड टू प्रोवाइड सेफ रिलीज ऑफ फ्लड वाटर फ्रॉम अ डैम टू अ डाउन स्ट्रीम आर नॉर्मली द वॉटर ऑन विच द डैम हैज बीन कंस्ट्रक्टेड क्या होता है स्पिल वे कि हमारा क्या होता है कि जो भी फ्लड वाटर आता है इसको हम सेफली रिलीज करने के लिए करते हैं अपस्ट्रीम से डाउन की ओर ठीक है ये होता है स्पिल वे हमारा अब तो इसके बाद हम देखते हैं कि क्या क्या रिक्वायरमेंट्स है इस पिलवे के तो फर्स्ट तो मैंने बता ही दिया आपको कि ये क्या करता है कि जो हमारा रिजर्वायर का जो लेवल है उसको हाई फ्लड लेवल तक नहीं जाने देता है उससे पहले ही क्या कर देता है वाटर को बाहर निकाल देता है तो ये हमारा फर्स्ट रिक्वायरमेंट है स्पिलवे का सेकेंड रिक्वायरमेंट है कि ये हमको क्या कर रहा है स्ट्रक्चरल स्टेबिलिटी प्रोवाइड कर रहा है मतलब कि जो आप डैम कंस्ट्रक्ट किए हैं उसका स्टेबिलिटी दे रहा है आपके डैम को फेल होने से बचा रहा है जब फ्लड कंडीशन होगा तब

स्पिलवे के बारे में जिसको हम एस शेप स्पिलवे बोलते हैं एस शेप यहाँ पे स्पिलवे क्यों बोला जा रहा है क्योंकि इसका जो फॉल होने का जो पैटर्न है यहाँ पे एस शेप टाइप के यहाँ पे बन रहा है यहाँ पे आप देख सकते हैं तो इसीलिए हम इसको क्या बोल रहे हैं यहाँ पे एस शेप स्पिलवे बोल रहे हैं यहाँ पे डाउन जो देख सकते हैं यहाँ पे ये डाउन या फिर ये जो डाउन में यहाँ पे स्मूथली इसको फॉल कराया जा रहा है तो इसलिए हमारा जो डाउनस्ट्रीम में जो इम्पैक्ट होगा फॉल के कारण वो क्या पड़ेगा यहाँ पे कम पड़ेगा जिसके कारण यहाँ पे स्कोरिंग का जो चांसेस रहता है वो रिड्यूस हो जाता है तो ये होता है ऑगी शेप स्पिल वे देखिए इसके बारे में और भी देख लेते हैं ये कहाँ यूज़ होता है ग्रेविटी डैम्स के लिए आर्चेस के लिए एंड बटर ट्रेस डैम के लिए ये यूज़ होता है ठीक है और ये इम्पैक्ट ऑफ वाटर एट द डाउन को रिड्यूज़ करता है स्कोरिंग को कम करता है और ये कहाँ जनरली यूज़ होता है स्मॉल कॉन्क्रीट डैम्स में ये यूज़ होता है और इसको क्या बोलते हैं हम एस शेप स्पिल्वे भी बोलते हैं तो इसके बाद देखते हैं झूठ स्पिलवे इसमें हम क्या करते हैं कि जो हमारे डैम है उसमें जो वाटर स्टोर्ड है उसको हम कैसे रिलीज करते हैं यहाँ पे कैनाल के थ्रू हम सॉरी यहाँ पे चैनल के थ्रू एक चैनल के थ्रू हम यहाँ पे वाटर को रिलीज करते हैं यहाँ पे आप देख सकते हैं ये चैनल कंस्ट्रक्ट किया गया है अभी आपने जो एनिमेशन से देखा वो चूट स्पीडवे था तो यहाँ पे चैनल के थ्रू वाटर को अपस्ट्रीम से डाउन में रिलीज किया जाता है तो वही लिखा है डिस्चार्ज इज कन्वे फ्रॉम द रिजर्वायर टू द डाउन स्ट्रीम थ्रू अ ओपन चैनल प्रोफाइल इज इन्फ्लुएंस्ड बाय साइड टोपोग्राफी यूज फॉर अर्थ डैम एमल अर्थ डैम के लिए यूज होता है और ये क्या हो सकता है कि टोपोग्राफी के हिसाब से जो इसका जो प्रोफाइल है वो वेरी कर सकता है इसके बाद हम यहाँ पे साइड चैनल स्पिलवे के बारे में पढ़ते हैं ये क्या होता है कि ये हम तब यूज़ करते हैं जब हमारा जो डैम रहता है वो रिजिट नहीं रहता है और हमको आ, डैम के ऊपर से वाटर को जो पास करना जो रहता है वो अनडिज़ायरेबल लगता है तो हम क्या करते हैं कि साइड से ये एक चैनल बना देते हैं और जिससे कि हम वाटर को पार पास करते हैं ठीक है तो यहाँ पे देखिए कि क्या हो रहा है कि आफ्टर पासिंग अ क्रॉसिंग ओवर द स्पिले रेस्ट वाटर फ्लो पैरलर टू द क्रेस्ट यहाँ पे देखिए कि ये क्या हो रहा है ये जो था हमारा क्या था स्पिलवे था यहाँ से हमारा जो डैम से हमको वाटर फ्लो कराना था लेकिन हम यहाँ से नहीं करा पा रहे हैं तो यहाँ से हम क्या करते हैं साइड से ही वाटर को पास करा देते हैं ठीक है वो साइड से ही वाटर को पास कराएंगे तो इसको हम क्या बोलेंगे साइड कैनल स्पिल बोल देते हैं और क्या हो जाएगा यहाँ पर कि ये जो लेंथ है वो आपको ज़्यादा मिलेगा तो ज़्यादा अमाउंट ऑफ वाटर आप यहाँ से क्या कर सकते हैं रिलीज़ करा सकते हैं इसके बाद हमारा क्या है एमरजेंसी स्पीलवे एमरजेंसी स्पिलवे क्या होता है कि जो हमारा मेन स्पीलवे रहता है जब वो वर्क नहीं करता है तो हम क्या करते हैं एक और स्पील वे बना के रखते हैं जो कि हमारा एमरजेंसी स्पीलवे कहलाता है और क्या होता है कि ये इमरजेंसी के केस में ही यूज़ होता है और देखिए कि एमरजेंसी स्पीलवे दिखता कैसा है यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जो शो रहा है वो इमरजेंसी स्पिल वे है ये जो है हमारा मेन स्पिल वे है और उसी के साइड से हमने क्या किया यहाँ पे इमरजेंसी स्पिल वे बना देते हैं हम जिससे कि जब हमारा मेन स्पीलवे में कुछ डैमेज आ जाते हैं जो जब ये वर्क नहीं कर पाता है तब हमारा क्या यूज़ होता है यहाँ पर इमरजेंसी स्पीलवे जो होता है यहाँ पर यूज़ आता है ठीक है इसके बाद होता है हमारा शाफ्ट स्पिल वे इसका जो शेप होता है फनल के टाइप से ही होता है वाटर ड्रॉप्स थ्रू अ वर्टिकल शाफ्ट टू हॉरिजॉन्टल कंड्यूब दैट कन्वे द वाटर पास द डैम कॉल्ड एज ग्लोरी होल स्पिल वे ये दिखता है कैसे है? इसको आपको मैं दिखाती हूँ यहाँ पे इसमें हम क्या करते हैं कि इसका जो शेप होता है फनल के टाइप से होता है यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ से हम क्या करते हैं ये डैम के अंदर ही बनाया जाता है जब जब डैम में जो वाटर का लेवल रहता है फुल रिजर्वा लेवल से ऊपर जाता है तो फिर किस में एंटर कर जाता है वो इस फनल में वाटर जो रहता है वो एंटर कर जाता है और इस फनल के थ्रू जो क्या किया जाता है वाटर को निकाला जाता है ये जो फनल रहता है वो कहाँ से कनेक्ट रहता है एक दूसरे से दिखाती हूँ यहाँ पे आप देख सकते हैं ये ये जो है आपका ये क्या है फनल है जो ये जो है हमारा क्या है फनल है जो जो कि कहाँ है डैम में कंस्ट्रक्टेड है अब क्या किया किया जा रहा है कि यहाँ से जो वाटर है इसको निकाल के इधर ले जाया जा रहा है और ये हमारा कहाँ जाता है यहाँ पे डाउनस्ट्रीम ऑफ डैम है ये ठीक है जो कि रिवर से कनेक्टेड होगा तो यहाँ पे इसको क्या किया जाता है यहाँ पे वाटर को रिलीज किया जाता है तो यहाँ पे ये जो फनल है इस तरह से कनेक्टेड रहता है ठीक है इसके बाद हमारा नेक्स्ट टाइप का जो स्पिलवे होता है वो साइफन स्पिल वे होता है जो कि हमारा साइफोनिक एक्शन पे काम करता है साइफोनिक एक्शन में कैसे काम करता है जैसे कि आप देख सकते हैं जब आप गर्मियों के दिन में क्या होता है कि कूलर कूलर आपने यूज़ किया ही होगा उसमें क्या होता है कि कभी कभी वाटर फिलअप रहता है तो उसको आप निकालने के लिए क्या करते हैं पाइप लेते हैं और उसमें फूक वाटर एयर को अंदर लेते हैं तो क्या होता है वहाँ पे वैक्यूम क्रिएट हो जाता है एंड तो जो दूसरा एंड रहता है वो कूलर से कनेक्टेड रहता है देखिए यहाँ पे ये मान लीजिए आपका क्या है कूलर है जिसमें कि क्या भरा हुआ है यहाँ पे इस तरह से वाटर भरा रहता है ठीक है आपको अब क्या करना है इसका जो वाटर का जो लेवल है वो लो है तो आपको इसको इसको इस वाटर को आपको क्या करना है बाहर निकालना है तो आप क्या करेंगे कि एक जो एंड है पाइप का यहाँ रख देंगे एंड दूसरा एंड जो रहता है वो बाहर रख देते हैं अब क्या करते हैं कि आप यहाँ से फूक आप यहाँ से क्या करते हैं एयर को अंदर लेते हैं ठीक है आप मुंह में डालते हैं इस पाइप को और एयर को क्या लेते हैं अंदर लेते हैं तो इसके कारण क्या होता है इस पाइप में क्या होता है वैक्यूम यहाँ पे क्रिएट हो जाता है तो वैक्यूम क्रिएट हो जाता है यहाँ पे तो यहाँ पे जो प्रेशर है या फिर जो एयर का जो प्रेशर है वो क्या हो गया है नेगेटिव हो गया है और दूसरे एंड पे यहाँ पे जो प्रेशर है वो क्या है यहाँ पे ये तो एटमोस्फेरिक प्रेशर है क्योंकि ये एटमोस्फेयर के कॉन्टैक्ट में था तो यहाँ पे प्रेशर एटमॉस्फेरिक है यहाँ पे नेगेटिव हो गया है तो फिर जो वाटर का जो फ्लो होता है वो हाई प्रेशर से नो लो प्रेशर की तरफ होगा तो वाटर जो रहता है इधर से इधर इस तरह से फ्लो होता है ठीक है साइफनिक एक्शन में तो इस तरह से आप क्या करते हैं कूलर के पानी को बाहर निकाल लेते हैं तो सिमिलर प्रिंसिपल यहाँ पर भी होता है आप यहाँ हम यहाँ पे वैक्यूम क्रिएट करते हैं और उससे क्या करते हैं कि जो डैम में जो एक्स्ट्रा वाटर है उसको हम यहाँ पे बाहर निकाल लेते हैं साइफनिक एक्शन से जब वाटर का जो लेवल रहता है फुल रिजर्वायर लेवल से ज्यादा हो जाता है तब यहाँ प्रेशर फ्रॉम द वॉटर इसका जो इमेज है यहाँ से देखिए यहां से आप देख सकते हैं ये जो रहता है हमारा साइफन रहता है जिससे कि हम क्या करते हैं यहाँ पे वॉटर को ये डैम से इस तरफ कनेक्ट रहेगा यहाँ पे हमारा डैम रहेगा तो ये साइफनिक एक्शन से क्या करेगा वाटर को लेगा और यहाँ पे कहाँ जाएगा ये जो वाटर है हमारा किस में फ्लो होगा फिर रिवर में ये फ्लो होता है ठीक है तो इस तरह से ये साइफनिक प्रिंसिपल पे काम करके हमारा साइफनिक स्पिलवे जो रहता है वो काम करता है इसके बाद ये इसको मैंने यहाँ पे इस तरह से भी समझाया है ये जो रहेगा हमारा ये डैम रहेगा इधर हमारा क्या है वाटर जो है फिलअप है तो फिर क्या हो रहा है यहाँ पे ये साइफनिक एक्शन से इस वाटर को खींचा जाएगा और इसको इधर रिलीज़ किया जाएगा ठीक है तो इस तरह से वाटर जो रहता है यहाँ पे रिलीज़ कर दिया जाता है डाउन की तरफ तो इस तरह से यहाँ पे हमने टाइप्स ऑफ स्पिल वे के बारे में देखा आई होप ये वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहा होगा इस वीडियो में बस इतना ही अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए और वीडियो को लाइक करें क्योंकि आपके लाइक से मोटिवेशन मिलता है आगे वीडियो बनाने के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो